लोकसभा चुनाव का आखिरी युद्ध खत्म होते ही बिहार में हमले की खबर ने सनसनी फैला दी। हमला भी बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर हुआ और वो काफिला था राजधानी की हाई प्रोफाइल पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ रहे रामकृपाल यादव का। जानकारी के मुताबिक पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के मसौढ़ी में रामकृपाल यादव के काफिले को निशाना बनाया गया। आरोप है कि मसौढ़ी से लौटने के दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोली चलाई। हालांकि रामकृपाल इस हमले में बाल बाल बच गए। उनके साथ कार में सवार एक समर्थक को चोट आई है। यह हमला उस वक्त किया गया था जब रामकृपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने इसे हिंसक घटना करार दिया है। उनका कहना है कि राजनीतिक रंजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसे मिल रहा था, मिलने के लिए जा रहा तो रास्ते में ही तो निकलते के साथ पटना डोबी फोर लेन है और कुछ 25-30 आदमी इकट्ठा था, ये क्या पता इकट्ठा होंगे। मैसे में गया फाइट किया, 3-4 फाइट। कितने लोग थे लगभग? 15-20 आदमी होगा और कुछ अंधेरा ही था, मैं भीड़ थी वहाँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे ऊपर फायर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि बौखला गई है, विपक्ष जो है बौखला गया। कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर, मैंने एफआईआर कर दिया है और मुझे भरोसा है कि कार्रवाई निश्चित तौर पर प्रशासन करना भी चाहिए। उधर इस मामले में पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना के बाद डीएसपी मसौढ़ी, एसएचओ मसौढ़ी, मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से इस घटना के संदर्भ में पूछताछ की गई है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी अभियुक्त हैं उनके नाम पता का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। प्राथमिकी के आधार पर 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनकी सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी जो है लगातार की जा रही है एवं इस पूरे घटना क्रम को और इस पूरे कांड के त्वरित अनुसंधान और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक एसआईटी टीम का भी गठन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस 9 लोगों को आरोपी बनाते हुए जगह जगह दबिश दे रही है। अब देखना ये है कि आरोपी कब पुलिस के शिकंजे में आते हैं, क्योंकि उनके शिकंजे में आते ही ये खुलासा हो जाएगा कि ये किसी की साजिश है या दबंगों की करतूत।